वन पीस एपिसोड नंबर 241 पार्ट 1 हमें दिखाया जाता है कि सांजी और चौपर रॉबिन को रोकने के लिए पानी में कूद जाते हैं, पर रॉबिन चले जाती है। तो सांजी एक प्लान बनाता है और वो चौपर को कहता है तुम लूफी के पास जाओ और वर्ड टू वर्ड जाके लूफी को बताओ, और वो कुछ उसका पीछा करने वाला या कुछ ऐसा प्लान बनाने का सोच रहा है। सीन शिफ्ट होता है और लूफी, जोरो और नामी बहुत तेजी से आगे भाग रहे होते हैं, उसके पीछे सारा एंग्री क्राउड उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद वो एक टर्न लेते हैं पर जोरो आगे ही चला जाता है। लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके उसे पकड़ता है और वो छुप जाते हैं, और फिर वो सारा एंग्री क्राउड खोजते हैं कहाँ पे, पर दिखाया जाता है कि लूफी जो है अपना हाथ को स्ट्रेच करता है और पुल के नीचे लटक रहा होता है, और सांजी और वो नामी और जो जोरो है दोनों उसका ऊपर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं जब तक वो क्राउड वहाँ से चले नहीं जाता है। वो क्राउड वहाँ से जाता है और चौपर वो नीचे जाता है और देखता है कि लूफी नीचे है, तो लूफी ये देख के घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सारा ऊपर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक टिम्बर और हार्डवेयर के दुकान में, जहाँ पे उसोप जाता है और उस दुकानदार से कहता है कि मुझे कुछ लकड़ी चाहिए, कुछ कील चाहिए और रस्सी चाहिए और बहुत सारा सामान वो मांगता है। कहता है मेरे पास पैसे हैं हम देते हैं, लेकिन वो दुकान बंद कर रहा होता है। तो वो पैसा निकाल के देता है और वो दुकानदार देखता है कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है उसको, और उसको भूख भी लगा है, वो बार बार साउंड आ रहा होता है भूख का। तो फिर वो दुकानदार पहले मना करता है, फिर बाद में बोलता ठीक है तुम ले जाओ। तो सारा उसको जितना चाहिए उसको लकड़ी और रस्सी, नील और कुछ आइटम्स और देते हैं। तो फिर वो सब वो सारा सामान को अकेले उठा के जा रहा होता है, वो गिरता है फिर उठता है फिर गिर जाता है, ले जाते फिर गिरता है। वो दुकानदार बोलता है तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारे साथ आए हों ले जाने के लिए? तो फिर थोड़ा होता है, उसके बाद वो दुकानदार उसे कुछ खाने के लिए देता है राइस बॉल कि ये ले जाओ तुम भूखे होगे खा लो। वो सब गोइंग मैरी में जाता है और फिर बैठ के वो राइस बॉल खाता है, अच्छे तरह से गोइंग मैरी को रिपेयर करने का कोशिश करता है। वो कहता है तुम ठीक हो गोइंग मैरी, अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है क्योंकि तुम उड़े भी थे, तुम बहुत बड़े बहादुर शिप हो। सीन बाढ़ में शिफ्ट होता है जहाँ पे फ्रेंकी को लूफी से फाइट करने वाला सीन याद आता है और वो एकदम गुस्सा हो जाता है, एक चेयर को तोड़ देता है, टेबल को तोड़ देता है, और उसके बाद वो बाहर चले जाता है, कहता है मुझे वो रैम्पेज करना है एकदम। सब कुछ सोचता है आखिर इसको अचानक हो गया क्या। तो कोकोड़ो कहती है कि इसको जो हुआ हुआ, ये इडियट है और इडियट क्या करता है इडियट ही जाने। उसके बाद चौपर, जोड़ो, नामी और लूफी आपस में छत के ऊपर बैठे रहते हैं और वो बात करते हैं। फिर वो जो चौपर है वो उन्हें कहता है कि रॉबिन हमें ये बात कह के चली। लूफी ये बात मानता नहीं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जोड़ो कहता है ये वो नहीं है जो हम शुरुआत से इसके लिए तैयार थे, क्योंकि वो शुरुआत में हमारा दुश्मन ही थी जब वो हमारे ज्वाइन करी थी। तो अब हम उसे पकड़ते हैं और सच क्या ही हम जानते हैं। तो हर कोई डिसाइड करता है कि वो चौपर रॉबिन को पकड़ेंगे। वन पीस एपिसोड नंबर 241 पार्ट 2 हमें दिखाया जाता है कि चौपर बहुत अच्छे से डिटेल में बताता है कि रॉबिन ने क्या क्या कहा। ये सुन के जोड़ो शक करता है, वो कहता है पक्का वो हमारा दुश्मन है पर वो दोस्त भी हो सकती है, तो मैं दोनों एक्शन लेने के लिए अच्छे से तैयार हूँ। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके हंट करेंगे, उसका पीछा जाएंगे। फिर नामी कहती है कि उसके साथ एक बड़ा सा मास्क वाला मैन होगा, हो सकता है कि उसके कहने पर रॉबिन का वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। वो ये भी कहते हैं कि हम रॉबिन का पास्ट अभी तक जानते नहीं है, ये सही मौका है उसका पास्ट जानने का। तो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे गैलीला कंपनी के हेड ऑफिस में, वहाँ पे वहीं पे रहेंगे जब रॉबिन वहाँ पे अटैक करेगी, उसका मर्डर करने के लिए आएगी। फिर गैलीला कंपनी के सारे सेपराइट जो अच्छे तरह से सबको खोज रहे हैं लूफी टीम को, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो सी ट्रेन को भी खोजते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता है। सीन फ्रेंकी में शिफ्ट होता है जो कि अच्छे तरह से जा रहा होता है लूफी को खोजने के लिए, उसका दोनों बहन भी जा रहे होते हैं ऐसे पीछे क्रैब वॉक करके। उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता है, तो फिर उसका सारा जितना जेला वोला था वो लोग आता है, वो कहता है वो लॉन्ग नोज जो है अकेले वहाँ पे सिप क्यों ठीक कर रहा है, हम सोचे कि तुमने उस सबको मार दिया और वो अकेले बचा इसलिए वो अकेले ही सिप को ठीक कर रहा है। तो बोलता है कि तुम ऐसा खबर फैला दो कि हमने लॉन्ग नोज को पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया है और तुम उसे लाओ, और जब नहीं तो हम उसको खूब मारेंगे, मतलब एक तरह से होस्टेज वाला बंदी देना है। फिर हमें सीन एक कॉमन हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ की सारा मेंबर जो है अच्छे तरह से आ चुके हैं और बच्चे लोग खेल रहे हैं कि एक्वा लगुना आने वाला है, वो बहुत अच्छे से बच्चे खेलते हैं। लेकिन सारा बड़ा मेंबर चिंतित रहते हैं कि वो अभी तक पायलट पकड़े नहीं गए। वो लोग ये भी सोचते हैं कि उसका 50 मेंबर का ग्रुप होगा, 100 मेंबर का ग्रुप होगा, एक तरह से र्यूमर कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि वो जो कंपनी है डॉग नंबर 1 में, उसको आज सब केले ला के टॉप शिपराइट और सारे शिपराइट मिलकर गार्ड कर रहे हैं, वो इसे कुछ नहीं कर पाएगा।
सीन शिफ्ट होता है डॉक नंबर वन में हेड ऑफिस में, जहाँ पे हर शिप राइट एकदम अच्छे से गार्ड कर रहे होते हैं। वो टॉप का 5 शिप राइट जो है फ्रंट गेट में रहते हैं और बाकी सब हर तरफ से सराउंडेड रहते हैं। फिर वो आइसबर्ग से वो जो गैलीला के वो जो ऑफिसर है वो उससे पूछती है कि आपके रूम में वो निको रॉबिन का पोस्टर क्यों है, तो कहता है तुम ये नहीं जानना चाहोगे। उसके बाद वो बताता है वो एक डेविल है। हमें दिखाया जाता है कि लूफी सन जोड़ो को पकड़ के भाग रहा होता है और फिर चॉपर जो है सुनामी को लेके कूद कूद के जा रहा होता है। वो जाके एक पेड़ में जाके बैठते हैं और वो कहते हैं हम तब तक यहाँ वेट करते हैं जब तक कि रॉबिन वहाँ पे ना आ जाए। उसके बाद जब वो वेट करेंगे और फिर जब रॉबिन अटैक करेंगे तो हम जाके उन्हें बचाने के लिए जाएंगे, तब तक हम यहीं रहते हैं ताकि वो सारा जो कमोशन हो हमारे कारण काउस ना हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पेड़ में एक लेडी है जो कपड़ा बहुत बड़ा कपड़ा पहना हुआ है और फिर वो जो मास्क मैन था वो हो सकता है कि वो रॉबिन और को मास्क मैन हो ताकि उसका अटैक करने के लिए आए हो।